3:07 मानसी से सहरसा जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आती है। मौसम बहुत ही खराब था, आसमान में काले बादल छाए थे, साथ ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिस वजह से लोगों ने अपने अपने बोगियों की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लिया था। 3 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन स्टेशन से खुलती है। ट्रेन में बैठे लोगों को ये पता नहीं था कि आज ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। तकरीबन 15 मिनट बाद धमराघाट पंचायत से सहरसा थाने में एक टेलीफोन जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। खगड़िया जंक्शन पर दोपहर के 2:30 बज रहे थे। सहरसा जाने वाली 416 डाउन पैसेंजर ट्रेन का वक्त हो चुका था। शनिवार का वो दिन था जब लोग रविवार की छुट्टी मनाने अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन खगड़िया जंक्शन पहुंचती है, जो कि भीड़ से बिल्कुल खचाखच भरी थी, शायद इसलिए कि उस दिन की ये आखिरी ट्रेन थी सहरसा जाने के लिए। खगड़िया जंक्शन से ट्रेन खुलती है मानसी के लिए। तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन मानसी स्टेशन पहुंचती है। इस बीच मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, मानो जैसे कि कोई चक्रवाती तूफान और तेज़ हवा और पानी, जिस वजह से लोगों ने अपने अपने बोगियों की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लिया। और कुछ मिनटों के बाद तकरीबन 3 बजे ट्रेन ने मानसी जंक्शन को अलविदा कहा। ट्रेन में कई सारे लोग खचाखच भरे थे, जिसमें कुछ गप्पे लड़ा रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, तो कहीं कुछ मूँगफली खा रहे थे और कुछ अपने रोते हुए बच्चों को शांत करा रहे थे। इस बीच ट्रेन मानसी से चलते हुए बदलाघाट तक पहुंचती है। मौसम का यह भयावह रूप देखकर ड्राइवर ट्रेन को धीमा करता है, मगर उसके साथी लोको पायलट ने उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया, क्योंकि सहरसा वहां से चंद मिनटों की दूरी पर था। ट्रेन के ड्राइवर ने आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि आगे बागमती नदी अपने उफान पर है। 9 डिब्बों की ट्रेन बदलाघाट से धमराघाट के लिए प्रस्थान करती है। ट्रेन धीमे धीमे बढ़ते हुए पुल संख्या 51 पर पहुंचती है और आहिस्ता आहिस्ता पुल पर आगे बढ़ती है। इस दौरान ट्रेन में बैठे लोगों को कुछ हलचल महसूस होती है। ये हलचल ट्रेन की चलने की नहीं बल्कि ट्रेन की डोलने की थी। अंदर बैठे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अनहोनी ना हो, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उस 9 डिब्बों की ट्रेन के 7 डिब्बे पुल के तकरीबन 15 मीटर नीचे उफनती बागमती नदी में जा गिरते हैं। ट्रेन में बैठे सभी लोग ये समझ गए थे कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल साबित होने वाला है। धमराघाट के कुछ मछुआरों ने इस भयावह दृश्य को देखा, जिसके बाद उन्होंने सहरसा थाने में फ़ोन लगाकर इस दुर्घटना की जानकारी दी। ट्रेन में तकरीबन 1000 से 1200 लोग सवार थे, जिसमें अधिकतर संख्या महिलाएं और बच्चों की थी। कुछ लोग जो कि ट्रेन से निकलने में समर्थ थे, उन्होंने अपनी जान बचा ली और बाकी वहीं डूब गए। गांव के लोगों ने मछुआरों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किनारे तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी प्रकृति के सामने सभी लाचार थे। ये बात जैसे ही सुर्खियों में आती है, सरकार ने आसपास के क्षेत्र के थानों को ये आदेश दिया कि घटनास्थल पर पहुंचकर वो लोगों की सहायता करें। वक्त बीतता गया और मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ट्रेन में तकरीबन 300 से 400 लोग सवार थे, जिसमें 235 लोग मारे गए और 88 लोग बच निकले। मगर वहाँ के गांव वालों के मुताबिक मरने वालों की संख्या तकरीबन 800 से 900 की थी। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 से 6 दिन तक लाशों को बाहर निकाला। जब इस हादसे की वजह जानने की कोशिश की गई तो इसका कोई प्रमाण तो साबित नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने यह अटकलें लगाई कि तेज हवा चलने के कारण यात्रियों द्वारा खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण चक्रवाती तूफान से चलने वाली हवाओं का दबाव ट्रेन झेल नहीं पाया। साथ ही जो लोग बच निकले उन्होंने ये बताया कि ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया था। 6 जून की यह घटना बिहार और भारतीय रेल पर एक धब्बा बन गया। इस घटना को आज तकरीबन 42 साल पूरे हो चुके हैं और इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रेलवे हादसा माना जाता है, जिसमें पहले स्थान पर श्रीलंका में आए 2004 के सुनामी प्रलय को माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की जानकारी साझा करने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।